India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi study channel को. Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल. तो दोस्तों, आज है मंडे और वापस से उम्मीद करता हूँ कि संडे को आपने चिल कर लिया होगा. मंडे को वापस से अपने ताबड़तोड़ प्रिपरेशन में लग जाइए. सारे क्लासेस यूट्यूब के ऊपर चल रही है, 2.0 के ऊपर चल रही है, और जो नहीं चल रही है वो अनअकैडमी के ऊपर भी चल रही है, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है, ठीक है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. हमेशा की तरह देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर और उसके बाद देखेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन. और मंडे है तो भाई सुबह 8 बजे भी क्लास में आना ही आना है. 2 दिन का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कल का और आज का, करने वाले हैं, देखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमेशा की तरफ से. इसके अलावा कल मैंने आपके लिए सुबह 8 बजे कल मैंने सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए, संडे था ना कल, तो मैंने आपके लिए वन लाइनर डाल दिया था दिसंबर का. बच्चे पूछते रहते हैं भाई कहाँ गया, कहाँ डाला कि नहीं डाला वीडियो, तो भाई डाल दिया, चेक कर लेना, देख लेना, आपके रिवीजन के लिए काम आएगा, ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टेलीग्राम की बात कर लेते हैं. अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर जो है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए आगे बात करते हैं. बैंक, रेलवे, है ना, RPSC, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHUNESH भुवनेश टेन रेफरल कोड यूज कर सकते हैं. 10% ऑफ और सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाती है. मेरे कोर्स की बात करें तो रेलवे में चल रहा है दोस्तों जीके का कोर्स, ठीक है. मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी. हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप. मेरा कोर्स भी जीके पढ़नी है आपको तो. वैसे बैंक में करंट अफेयर का चल रहा है दोस्तों, ठीक है. दो क्लास हुई है अभी तक मात्र, तो ज्वाइन कर लीजिए, सुनहरा मौका है. बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे एज इट इज जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा. और इसके अलावा मेरे अलावा आपको टीम AVP की भी सारी क्लासेज है, SBI PO क्लर्क में वो मिल जाएगी. उसी प्रकार से SSC की बात करें तो SSC CGL के अंदर मेरी क्लासेस चल रही है GK की दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको, साथ में करंट अफेयर, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में. ज्वाइन कर लेना, एक बार जीके पढ़ लो, लाइफ में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसी प्रकार से दोस्तों CHSL के अंदर की जो क्लासेस है वो आपको फ्री मिल जाएगी. SSC के CGL का बैच अगर ज्वाइन करते हो या CHSL का ज्वाइन करते हो तो फ्राइडे से मेरी पहली क्लास है CHSL की जो कि आ रही है, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना. क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं. अभिनव कुमार को हाल ही में किस अर्धसैनिक बल के IG के रूप में विस्तार मिला है? तो पैरामिलिट्री फोर्स के IG बने दोस्तों किसके, BSF के दोस्तों. तो आपका बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है. द अपॉइंटमेंट कमिटी जो है कैबिनेट की, उसने अप्रूवल दिया है दोस्तों कि एक्सटेंशन है जो कि किया है IPS अभिनव कुमार का, जो कि IG है किसके, BSF के दोस्तों, ठीक है. तो 2021 तक जो है ये BSF के क्या रहेंगे दोस्तों, हेड है जो कि रहेंगे, समझ गए मेरी बात. BSF की बात करें तो BSF का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1965 में हुआ था दोस्तों, ठीक है. और नियर बाय 2.5 लाख अपने जवान है जो कि इसके अंदर काम करते हैं और $2.4 बिलियन के आसपास का बजट है 2016-17 का. और ठीक है, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, वी के जौहरी जी है जो कि अभी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, ओके. चलिए आगे बात करते हैं. भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, ओके. तो ये आपको बताना है दोस्तों MOU के लेकर दोस्तों. तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किसके साथ में जो है यहाँ पे टाइप किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, आपका आंसर फ्लिपकार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा. तो ये जो टाइप किया गया है दोस्तों वो किसके साथ में, फ्लिपकार्ट के साथ में किया गया है,
ठीक है, फ्लिपकार्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिनी बंसल, सचिन बंसल के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। अभी सीईओ कौन है दोस्तों फ्लिपकार्ट के? वो है कल्याण कृष्णा मूर्ति, कल्याण कृष्णा मूर्ति। ठीक है, पेपर में आपसे सवाल आएगा अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, वॉलमार्ट के पास इसके शेयर है 82%, तो यानी कि 82 वॉलमार्ट ही है जो कि इसका ओनर है, समझ गए। मैंत्रा, जैबोंग, फोन पे, ई कार्ट, ये सारी जो है सब्सिडरीज हैं किसकी? फ्लिपकार्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हो आप, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो है महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की जो बिक्री है वो कहां पे? फ्लिपकार्ट पे करी जाएगी। निम्नलिखित में से किसने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है? मेरी दिल्ली मेरा अभियान जो स्टार्ट किया गया है दोस्तों, ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। WCD मिनिस्टर अपने देश की, तो यूनियन मिनिस्टर उन्होंने, स्मृति ईरानी ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया है दोस्तों, ताकि वोट ले सके जनता में और जनता को काम के बारे में बता सके। आपको मालूम है दिल्ली में नए साल में फरवरी मार्च के अंदर जो है वो इलेक्शन होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी दिए हैं कि भाई इसके ऊपर आप अपने सजेशन जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CM कैंडिडेट आप सभी को मालूम है कौन है भाई, मनोज तिवारी जी है जो कि यहाँ पे CM कैंडिडेट के तौर पे उभरे हैं दिल्ली के अंदर। और केजरीवाल जी आपको मालूम है, उन्होंने भी अपनी कैंपेनिंग को तेज कर दिया है। दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का डैश में अनावरण किया जाएगा। तो एक का तो दोस्तों काफी घाटे में जा रही है, दूसरी की फिर से शुरुआत करी जा रही है। दूसरा स्टैचू भी बनाया जा रहा है जो कि अहमदाबाद के अंदर बनाया गया रहा है। पहले वाले के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता देता हूं दोस्तों, अगर आप पहली वाले के अंदर जो पैसे लगे थे ना उतने पैसे बैंक में रखते ना तो सरकार को जो है ज्यादा पैसे मिल जाते। ओके, और क्योंकि काफी सारे लोगों के द्वारा बोला गया था कि भाई इससे प्रॉफिट होएगा, ठीक है, इससे प्रॉफिट होएगा और इससे फायदा होएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसी बातें बोली गई थी। लेकिन जब पहले साल का डाटा निकल के आया तब पता लगा कि काफी नुकसान में चला गया है। ठीक है, राम सुतर जी के द्वारा पहला वाला जो है वो डिजाइन किया गया था, समझ गए। और यहाँ पे कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर है जो कि बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे विजय रूपानी जी जो है उन्होंने इसको अनवील किया है, सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद के अंदर। 50 फीट की है दोस्तों, 70,000 किलोग्राम का इसमें, ठीक है, वेट है इसका, जो कि अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्किल पे बनाई गई है। मानव ठक्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मानव ठक्कर की बात करें तो अंडर 21 के अंदर ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं और भारत के चौथे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। टेबल टेनिस के प्लेयर हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मात्र 19 साल के हैं मानव और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलिए, और कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं भाई? ये सूरत से, गुजरात से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए, दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब है जो कि जीता है? दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स के बारे में आपको बताना है कि किसने ये अवार्ड है जो कि जीता है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पोर्चुगीज के काफी जबरदस्त प्लेयर है दोस्तों, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, साथ में एक बात और बताइए मेरे को कि जो रोनाल्डो है वो कौन से क्लब से जो है वो प्रेजेंट के अंदर खेल रहे हैं, कौन से क्लब से जो है वो खेल रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर दोस्तों आपका रेलवे का जो एग्जाम है उसमें इस तरीके का सवाल है जो कि पूछ लेते हैं। कंट्री तो आपको मालूम है पोर्चुगल से खेल रहे हैं भाई, लेकिन अभी फिलहाल जो है दोस्तों वो कौन से क्लब से खेल रहे हैं? जुवेंटस नाम का क्लब है दोस्तों, लिख देता हूं मैं आपके लिए, इस क्लब से खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, समझ गए। ठीक है, और ये कौन सा इटालियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है? कौन सा इटालियन क्लब है? इटली का फुटबॉल क्लब है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप, KVIC ने पटोला साड़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? KVIC ने ओपन किया है पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट दोस्तों, ताकि पटोला साड़ी जो है उसका प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों? इसको गुजरात में जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं KVIC के बारे में,
देखिए ये जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ना, केवीआईसी का मतलब होता है, आंसर तो इसका गुजरात हो जाएगा, ये है खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन्होंने पहला अपना सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि गुजरात के अंदर सुरेंद्रनगर के अंदर ओपन हुआ किया है। अभी यहाँ पे केवीआईसी के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाई गई थी। केवीआईसी एक्ट आया था 1956 के अंदर, तब इस एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ये एपेक्स सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं और एमएसएमई के अंदर अगर मैं खादी उद्योग की बात करूं तो यानी कि खादी उद्योग के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यही है जो कि गांव के अंदर और सब जगह पे प्रमोट करती है खादी को बढ़ावा देने को लेकर। ठीक है, 57 के अंदर इंडिया में ऑल इंडिया खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हुआ करता था, उसी के जगह पे इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। कई जगह पे जोनल ऑफिसेज भी बने हुए हैं दोस्तों इनके, है ना। तो ये खादी के ऊपर काम करती है और विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने को लेकर काम करती है। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करें। पीएम मोदी ने सावित्रीबाई फूले को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। सावित्रीबाई फूले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? ठीक है, कौन सा कथन है जो कि यहां पे सही है? तो सावित्रीबाई फूले के बारे में आपको यहां पे बताना है दोस्तों। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा सावित्रीबाई के बारे में दोस्तों। महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था अपने जीवन में। और इनका जो जन्म हुआ था ना सावित्रीबाई का, वो 3 जनवरी 1831 के अंदर हुआ था दोस्तों। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1897 के अंदर। ठीक है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और पोएट थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। फर्स्ट फीमेल टीचर है जो कि हमारे देश की ये मानी जाती है, फर्स्ट फीमेल टीचर। ठीक है, समझ गए। इनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, उनके साथ में इन्होंने सोसाइटी के में महिलाओं के अपलिफ्टमेंट को लेकर बहुत काम किया है। इनको मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है। भारत का पहला गर्ल स्कूल जो है ना पुणे के अंदर, वो इनके और इनके हस्बैंड यानी कि जो अपने ज्योतिराव फुले हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कास्ट के, जेंडर को लेकर, इन सबको खत्म करने को लेकर इन्होंने काफी काम किया देश में। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि महाराष्ट्र में चला है। ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, ओके, और मराठी राइटर भी थे फूले। ठीक है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए ना, ये सारे के सारे सही है। पहली महिला शिक्षक बिल्कुल सही है, ज्योतिराव फूले के साथ में 1848 में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल स्थापित किया और बालहत्स्य प्रतिमा ग्रंथ की जो है उन्होंने स्थापना करी। तो ये सारी बातें दोस्तों बिल्कुल सही है। हमारे देश में ऐसे जो लीडर है ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इनकी आइडियोलॉजी, इनके बारे में देश के बच्चों को स्कूल में, सब जगह पे, कॉलेजेस में, सब जगह पे पढ़ाना चाहिए ताकि देश के अंदर भी क्या हो सके, सोशल वेलफेयर को लेकर काम हो सके, लोग आगे आए। ठीक है, पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमेशा उन्हीं के नाम पे सारे काम होते हैं, लेकिन जो रिफॉर्मर्स होते हैं उनके ऊपर जो है देश में बड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि ऐसे जो लोग जिन्होंने सोसाइटी को लेकर बहुत काम किया है उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो ये बहुत गलत चीज है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जोरान जेव ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? जोरान के बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो इन्होंने किस, कहां का दिया दोस्तों? नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ना उसका, वहां का जो है हेड का, जो ये हेड थे वहां पे प्रधानमंत्री थे, तो वहां का इस्तीफा है जो कि इन्होंने दिया है। नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में बात करूं दोस्तों तो बाल्कन पेनिनसुला के अंदर है, साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर देश है। पहले युगोस्लाविया हुआ करता था ना, तो उसी के बाद में ये बना था दोस्तों, इंडिपेंडेंस मिली थी इसको, बाद में रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बना, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम नॉर्थ मैसेडोनिया पड़ गया कुछ टाइम पहले। स्कोपजी आपने सुना होगा दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? स्कोपजी है, पी आएगा यहाँ पे स्कोपजी। इसके अलावा यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है भाई? करेंसी चलती है यहाँ पे मैसेडोनियन दिनार। ठीक है, उत्तर मैसेडोनिया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने रिजाइन जो कि दिया है और एक नए केयरटेकर कैबिनेट के लिए बोला है। ठीक है, इलेक्शन करवाने को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने साइबर सुरक्षा के मोर्चे को मजबूत करने के लिए यहाँ पे रिस्क रैकॉन का अधिग्रहण किया है? रिस्क रैकॉन का जो अधिग्रहण किया गया है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है।
मास्टर कार्ड की बात करें तो अजय बंगा जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, दुनिया के टॉप सीईओ के अंदर भी इनका नाम आता है दोस्तों, सीईओ के अंदर अजय पाल जी, और मास्टर कार्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क के अंदर, और शुरुआत जो है वो 50 साल पहले कोई आसपास इस कंपनी की हुई थी, ठीक है। प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है अभी? अजय पाल सिंह जी बंगा। तो अजय बंगा जी आप याद कर सकते हैं, पेपर के अंदर सवाल आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे लीडिंग थर्ड पार्टी साइबर रिस्क सॉल्यूशन कंपनी है रिस्क रेकॉन, उसका अधिग्रहण है जो कि इन्होंने किया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, और आपको सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस चाहिए दोस्तों, तो आप BHU NSH बुनेस्टन यूज कर सकते हैं। मेरा जो कोर्स चल रहा है एसएससी के अंदर जीके का, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आपको करंट अफेयर का मिलेगा, और रेलवे में भी जीके का मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको प्लस करंट अफेयर। अगर आपने मेरे से कभी जीके नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए, आपको हमेशा काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हमेशा आपको हर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। कोई से भी एग्जाम का कोई भी गोल हो दोस्तों, आप बुनेश 10 यूज करके पूरा फायदा उठा सकते हैं, 10% ऑफ, और सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे रेलवे सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे प्लस में गए, गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर आपको यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा, तो 12 महीने का ले लिया आपने, मात्र 400 रुपये पर मंथ है जो कि रेलवे के सब्सक्रिप्शन के हैं। और एसएससी बैंक की बात करें, जहाँ पे आपको मेरे अलावा सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही है, मात्र 500 रुपये पर मंथ। इसमें भी अगर आप रेफरल कोड डालते हैं BHU NSH बुनेश 10 अप्लाई करते हैं तो आपको और भी कम में मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी राजपत्र सूचनाओं के लिए ई गैजेट पोर्टल है जो कि लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।